प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल 3217 द गेमर एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर सीइंग न्यू अपडेट्स फर्स्ट एंड प्लीज हिट द लाइक बटन फॉर माई वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। मैं हूँ मीत और आज मैं आपको मिरर चैलेंज के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, मिरर चैलेंज वो होता है जिसमें हमें और हमारे ओपोनेंट को सेम डेक दी जाती है और उसमें हमारे ओपोनेंट्स को भी वही स्टार्टिंग कार्ड दिए जाते हैं जो हमारे स्टार्टिंग कार्ड होते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो, देख ले दोस्तों, अभी 17 तारीख से 19 तारीख तक हमें मिरर बैटल प्रैक्टिस मिलेगी और अक्टूबर 20 से 23 तक मिरर बैटल चैलेंज होगा, जिसमें मेरे ख्याल से खूब अच्छे रिवॉर्ड होंगे क्योंकि टचडाउन चैलेंज में भी खूब अच्छे रिवॉर्ड थे। जैसे कि लास्ट में लेजेंडरी चेस्ट मिला था जो मुझे मिल गया था। दोस्तों, पहले ग्राउंड चेस्ट ओपन करेंगे। दोस्तों, आपका ध्यान गया होगा मेरी ट्रॉफी पर। दोस्तों, मैं खूब ट्रॉफी पुशिंग करता हूँ नाउडेज और मेरे 999 विंस हो गए हैं। दोस्तों, अभी 1000 विंस होने में सिर्फ एक ही विन बाकी है दोस्तों, और मेरे ख्याल से मैं उसे 3 स्टार ही करूँगा। सबसे पहले इसको अनलॉक करने में रखेंगे। दोस्तों, चलिए मैं आपको मिरर बैटल करके दिखाता हूँ। मैं दूसरे यूट्यूबर जैसे रिप्ले नहीं दिखाता हूँ, मैं लाइव टू लाइव करके ही आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, आपको सही अंदाज आए हमें कैसे खेलना है। हमारे ओपोनेंट ने अच्छी रणनीति बनाई और उसका उपयोग भी अच्छी तरह किया है, और कोई बात नहीं दोस्तों। एग्जीक्यूशनर के एक ही शॉट लग पाए दोस्तों। अभी हम विज रखेंगे और रॉयल जाइंट और फिर बाद में ग्रेवियर। दोस्तों, यही हमारा पुश होगा और अगर ये सक्सेसफुल रहा तो ये टावर को पूरी तरह से तोड़ देगा, इसमें कोई शंका नहीं है। दोस्तों, ये वाली टाइल अच्छा प्लेसमेंट है ग्रेवियर्ड के लिए। अगर आप ग्रेवियर्ड वाली डेक यूज़ कर रहे हो तो बहुत सारा डैमेज कर दिया है हमारा ग्रेवियर्ड ने, जो कि अच्छी बात है। और ओपोनेंट के ग्रेवियर्ड के लिए हमने बैट्स का उपयोग किया है जो खूब अच्छे कार्ड है ग्रेवियर्ड को काउंटर करने में, जल्दी से हरा देते हैं ग्रेवियर्ड को। मिरर बैटल में दोस्तों ऐसा होता है, हमें और हमारे ओपोनेंट को एक ही डेक दी जाती है और एक ही स्टार्टिंग कार्ड दिए जाते हैं। इसमें आपकी काबिलियत पर भरोसा रहता है कि आप में कितनी काबिलियत है और आप कैसा खेल सकते हो। अगर आपने थोड़ी भी चूक की दोस्तों तो आप श्योरली हार सकते हो, मैं बिना किसी झिझक के साथ कह सकता हूँ। हमने भूल की थी ये वाली, पर कोई बात नहीं दोस्तों, हमारे ओपोनेंट ने भी वही रणनीति का इस्तेमाल किया जैसा हमने किया था। इस बार हमारा ओपोनेंट एग्रेसिव निकला और उसने ग्रेवियर ढक दिया, तो बात नहीं। रॉयल जाइंट एक बहुत अच्छा कार्ड होता है। देखिए दोस्तों, हमारे ओपोनेंट ने मेरा तोड़ दिया, कोई बात नहीं दोस्तों, हमने भी तोड़ लिया। ये बहुत ही हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड जैसा है दोस्तों। मैं आखिरी मोमेंट तक कूल रहा, कोई जल्दबाजी नहीं की और
अंत में टावर तोड़ दिया दोस्तों। इसी तरह से आपको खेलना है। और ये देखिए दोस्तों, हम जीत गए मैच। दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा हमें कैसे खेलना है मिरर चैलेंज, और आपको अनुभव भी मिल गया होगा कि कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और अंत तक शांत से खेलना चाहिए, तो हम मैच जीत सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आपको मज़ा आया होगा वीडियो देखने में। प्लीज़ हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में बनाता रहूँगा दोस्तों। धन्यवाद, मिलिए अगले एपिसोड में।